मार्केट जैसी नान खटाई आज बनेगी घर की कढ़ाई में और ये इतनी इजी रेसिपी है ना इसको जब आप एक बार बना लेंगे या आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप कहेंगे नान खटाई बनाना तो चुटकियों का काम है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नान खटाई तो सबसे पहले कुछ मेजरमेंट है कुछ नाप है जो मैं आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पे हमने सेम साइज़ की तीन कटोरी ली है एक कटोरी में हमने लिया है पीसी चीनी थ्री फोर्थ कप कटोरी से थोड़ा सा कम है देखिए ऊपर से थोड़ा नीचे है चीनी तो चीनी की मात्रा इतनी लेनी है दूसरी कटोरी में हमने लिया है पूरा भर के ऊपर तक मैदा और तीसरी कटोरी में हमने लिया है शुद्ध देसी घी घी की जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं लेकिन हल्का सा जमा हुआ लीजिएगा देखिए जमा हुआ घी है ना बस इस बात का ध्यान रखिएगा दो चम्मच बेसन लेंगे और दो चम्मच सूजी लेंगे तो बस इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ नान कटाई बनेगी और ये जो नाप है ना अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इसकी जस्ट डबल कर लीजिएगा तो ज़्यादा सी नान कटाई बन जाएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बोल लेंगे तो हमने यहाँ पे एक बोल ले लिया इसमें हमने देसी घी डाल रहे हैं आधा कटोरी तो देसी घी की जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन देसी घी में लीजिए तो बहुत बढ़िया बनेगी शुगर आप अपने हिसाब से बढ़ाया घटा सकते हैं लेकिन पिसी हुई शुगर लीजिएगा पिसी हुई चीनी डाल दी है थ्री फोर्थ कप एक विस्कर यानी कि किसी भी चम्मच की हेल्प से हम इसको अच्छे से फेटेंगे लगभग तीन से चार मिनट हम लगातार चलाते हुए फेंटेंगे फेंटना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम जितना फेंटेंगे ना उतना बढ़िया हमारी दानेदार जालीदार नानखटाई बनेगी तो यहाँ पे देखिए मैं इसको हाथों से फेंट रही हूँ जब तक मैं इसको फेंट रही हूँ तब तक आप क्या करिए कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है जल्दी से उसको प्रेस कर लीजिए बिल्कुल फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ऑल पे तो लगभग चार से पाँच मिनट हो चुका है मैंने यहाँ पे खूब अच्छे से इसको फेट लिया है तो घी और पिसी हुई शक्कर को फेट के देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है बिल्कुल वाइट कलर का हो गया है तो बिल्कुल प्लफ़ी हो चुका है खूब बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे देसी घी के साथ पिसी हुई चीनी को हमने फेट लिया है अब हम एक छन्नी लेंगे इस तरह की कोई भी बड़ी सी छन्नी ले लीजिए इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी भर के मैदा हमने मैदे को डाल दिया इसमें इसमें अब हम डाल देंगे दो चम्मच के करीब सूजी सूजी से थोड़े से क्रंची बनेंगे हमारे नान खटाई और दो चम्मच बेसन डालेंगे इससे नान खटाई का कलर भी बहुत अच्छा आएगा बहुत बढ़िया टेक्सचर आएगा अब डाल रहे हैं हम इसमें बेकिंग पाउडर ध्यान दीजिएगा हम बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं छोटी वाली चम्मच से आधा चम्मच डाला है ठीक है अब इन सारी चीज़ों को हम इस तरह से छान लेंगे छानने से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और इसमें एक एयर आ जाएगा जिससे कि आपकी नान कटाई बहुत परफेक्ट बनेगी तो फटाफट मैंने इसको छान लिया है अगर कोई लम्स है इस तरह का बेसन के जो गांठ बन जाती है उसको आप चम्मच से इस तरह से कर दीजिए तो बस सब चीज़ें छन के रेडी हो चुकी अब हमें क्या करना है हल्के हल्के हाथों से देखिए ध्यान दीजिएगा हल्के हल्के हाथों से सारे मिक्सर को हमें मिक्स करना है टाइट हाथ नहीं चलाना है ना ही हमें कस कस के सानना है जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे हमें बिल्कुल भी नहीं गूंदना है बस हमें सारे मिक्सर को इकट्ठा करना है फ्रेंड्स आप लोगों से बातें करते करते ना मैं भूल जाती हूँ कुछ कुछ सामान तो यहाँ पे मैं इलायची पाउडर पीसी इलायची का आधा चम्मच पाउडर मैं भूल गई थी तो वो भी मैं डाल दे रही हूँ क्या करूँ मेरी भूलने की आजकल आदत बहुत हो गई प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए इसका कोई देसी इलाज है कि याददाश्त थोड़ी तेज हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे देखिए बहुत हल्के हल्के हाथों से सारे मिक्सचर को हम इकट्ठा कर रहे हैं बस बहुत अच्छे से हमें मिक्सचर को इकट्ठा करना है एक सा सार करना है ठीक है ना तो यहाँ पे देखिए सारा मिक्सचर इकट्ठा होके एक डो फॉर्म में हो गया हमने आटे की तरह नहीं गूंथा है थोड़े से मिक्सचर को आप हाथ में लीजिए अगर वो बाइंड हो रहा है इस तरह से तो इसका मतलब आपका बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर बनके तैयार हुआ है तो अभी इसको हम रखते हैं साइड में फटाफट हम ज़रा कढ़ाई को गैस पे चढ़ाते हैं क्योंकि नान खटाई हम बना रहे हैं कढ़ाई में तो एक भारी तल्ले की कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है और ये नमक की हमने एक लेयर इसमें डाल दी है इस नमक को मैं बार बार यूज़ करती हूँ बेकिंग करने में तो ये नमक आप भर के रख सकते हैं स्टोर कर सकते हैं ठीक है ना वेस्ट नहीं होगा एक स्टैंड आप इस तरह से रख दीजिए या कोई प्लेट उलट के रख दीजिए और मीडियम फ्लेम पे गैस को करके इसमें ढक्कन लगा के इसको छोड़ दीजिए जब तक हम नान कटाई के पेड़े बनाएंगे तब तक ये गर्म हो जाएगा तो प्री हीट होने के लिए इसको छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पर अब हम यहाँ पे एक स्टील की प्लेट है जिसके ऊपर हमने एल्यूमिनियम फॉयल लगा दी है तो एल्यूमिनियम फॉयल अगर आपके पास है तो ज़रूर लगाइएगा नहीं तो स्टील की प्लेट आपकी थोड़ी सी लाल हो जाएगी जब हम बेक करते ना तो वो लाल हो जाती है इस तरह से फॉयल लगा दीजिए इसके ऊपर देसी घी की लेयर कर दीजिए क्योंकि हमें इसी के ऊपर नान कटाई को रख के बेक करना है तो ये सारी तैयारी आप पहले से कर लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी तो हमने देसी घी लगा के इसको रेडी कर लिया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नान कटाई थोड़ा थोड़ा सा डो छोटे छोटे से पेड़े को हम हाथ में लेंगे इस तरह से पहले बाइंड करेंगे उसके बाद दोनों हाथ के बीच में रख के इसको चिकना कर लेंगे हल्का सा प्रेस कर देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये नान कटाई का छोटा सा पेड़ा बन तैयार हो गया है सेम इसी तरह से हम फिर से एक मिक्सर को हाथ में लेंगे उसको थोड़ा सा बाइंड करेंगे इस तरह से और उसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रख के हल्के हल्के हाथों से हम इसको ऐसे रोल करेंगे तो हमारा ये बन गया टाइट हाथ हमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है हल्का सा प्रेस कर देना है और थोड़ी सी दूरी पे हम इसको रखेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखेंगे क्योंकि नान कटाई जब बेक होगी तो वो फूल के थोड़ी सी बड़ी हो जाती है इसके बाद हम क्या करेंगे हल्का सा कट लगाएंगे बहुत ज़रा सा आर पार कट बिल्कुल भी नहीं लगाना है बस हल्का सा कट लगाना है जिससे कि अंदर तक अच्छे से बेक हो जाए यहाँ पे हमने सब में कट लगा दिया है पिस्ता को हमने ग्रेट कर लिया था पिस्ता काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास है उससे आप इसकी गार्निश कर दीजिए तो ये वाली ट्रे हमारी तैयार है बेक होने के लिए तो ये देखिए बिल्कुल चिकने चिकने पेड़े बन तैयार हो चुके हैं तो चलिए फटाफट फड़ हम इसको बेक करना शुरू करते हैं कढ़ाई को ऑलरेडी हमने मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था बहुत गर्म है लिड इसकी तो आप प्लीज़ कपड़े से इसको उठाइएगा देखिए धुआं भी निकल रहा था हाथों को बचाते हुए हाथ ना जले धीरे से प्लेट को आप रख दीजिए अब हम क्या करेंगे ढक्कन लगा देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे ढक के हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं मैंने बीच में इसको एक बार और चेक किया था तभी अच्छे से हुआ नहीं था लगभग 20 मिनट लगा है लो फ्लेम पे बेक करने के लिए तो यहाँ पे देखिए कितना सुनहरा कलर आया है बिल्कुल परफेक्ट नान कटाई बेक होकर के थोड़ी सी बड़ी साइज़ की हो गई है फूल गई और कितने सुंदर सुंदर क्रैक्स बने इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसी ठेले वाले भी इसको बेचते हैं बिल्कुल वैसी ही नान कटाई आपकी घर पे बनके तैयार हो चुकी है तो हाथों को बचाते हुए बहुत ही आहिस्ते आप इस गरम सी ट्रे को निकालिए क्योंकि ये ट्रे बहुत गरम है अपने हाथों को ज़रूर बचाइएगा तो ये देखिए हमारी नान कटाई घर में ही बन के तैयार हो गई वो भी हमने कढ़ाई में बनाई है तो इसी तरह से मैं सारी नान कटाई बना लूँगी और नान कटाई जब बनती है ना गरम गरम में उसको बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं गरम गरम में अगर आप इसको टच करेंगे ना तो ये टूट जाएगी 15 से 20 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए उसके बाद आप इसको टच करिए तो आपकी नान कटाई टूटेगी नहीं तो ये देखिए कितनी लाजवाब कितनी टैमटिंग लग रही है ये नान कटाई बन के तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी मुश्किल से आधा घंटा लगता है नान कटाई घर में बनाने में और ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा बढ़िया बनती है तो दोस्तों मेरी कोशिश है कि मेरा जो YouTube का परिवार है वो सारी चीज़ें जो आपको बाज़ार में मिलती हैं उन्हें आप घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें क्योंकि घर का बना हुआ खाना हमेशा शुद्ध होता है बहुत साफ़ सफाई से बनता है और स्वादिष्ट भी बनता है तो इस नान खटाई की रेसिपी को ट्राई करिए मुझे कमेंट करिए क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तभी आप हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्योंकि गिव अवे चल रहा है दिवाली के एक दिन पहले मैं गिव अवे के विनर्स के नाम अनाउंस करूंगी तो जल्दी से कमेंट करिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो चलिए मैं तो चलिए बढ़िया सी नान कटाई खाने आप लोग भी बनाइए और ट्राई करिए हम फिर मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर